जाऊँ कौन कौन गुरु बना था, उसी को पकड़ लूँगा, तीन दिन में कब्जे में आ जाएगा, चौथे दिन की साधना में बस फिर वो मेरे मुताबिक काम करेगा। मैं कहूँगा घुस जाए इसके शरीर में, उछलिए दो बार जैसे मैं कहूँ, हैं फिर तुम्हारे से 5-5 लाख रुपए लिया करूँगा, ठीक है मुझे भी गाड़ी लेनी है 10 करोड़ रुपए की। अरे कुछ साथ जाएगा, सब यही रहना है, सब सब कोई ये चाहता है कि मेरा बच्चा इतने अरबों रुपया भोगे, बच्चे को उसने पागल कर देना है एक मिनट में, उसकी सारी शक्ति क्षीण कर देगा एक मिनट में, डॉक्टर ही कहने लग जाएंगे इसको बिजली के झटके दो, इसको डिप्रेशन हो गया है, ये अब सोच नहीं पा रहा, पड़ी रह जाएगी यहीं की यहीं संपत्ति यहीं की। शरीर को स्वस्थ नहीं करना है, मन को स्वस्थ करना है। किसको स्वस्थ करना है? मन को स्वस्थ करना है। मन स्वस्थ नहीं होगा शरीर स्वस्थ कदापि हो ही नहीं। जो दुख का घर है उसको आप सुख का घर कैसे कर सकते हो बता दो मैं। चलो ये नारकीय बात है तुम्हारी, जो दुख का घर है उसको सुखी कदापि कर नहीं सकते, क्योंकि मानव जीवन दुख ही है सुख है ही। बचो इस कटघरे से कैसे बचोगे, कहाँ से लाओगे सुख इसके लिए? ठीक, ये स्वरूप ही दुख का है, माया दुखी ही करती है, सुखी इसने कभी किसी को किया नहीं, ना कंस को ना रावण को। इतना सोना था रावण के पास, सोना ही सोना था, पूरी लंका सोने से भरी हुई, बताओ रावण सुखी हो गया है? रावण सुखी हो गया? फिर लंकनी साक्षात रक्षा करती थी, एक मुट्ठी में मारी गई हनुमान जी की, एक मुट्ठी मारी यूं धस गई जमीन में, माँ बाप करते रहे हनुमान जी अरे जाने दे तू मुझे, बोली नहीं मैं तो रक्षा करूंगी यार। अरे बस एक मुष्टि प्रहार किया, रावण को भी पता था जिस दिन तेरी लंकड़ी मारी जाएगी उस दिन के बाद से तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता, रावण को पता थी ये बात। कल कौन कौन आए थे? कल आने के आराम भी हुए होंगे फिर तुम्हें, कल के आराम किन किन को हाथ उठाना, कल आने के आराम नहीं पड़े तुम्हें और भारी हो गए, तीसरी बार आई है ना तो समझ गया ना मुझे, अभी तो भारी हुए तेरी चीज कट रही है। देवता खुद ही काम करता है, मानो भैया कोई काम नहीं करते, आत्मरूप से वो करे कुछ, ठीक है, और कुछ करना भी नहीं होता, संकल्प ही धारण करना होता है। जब हमने संकल्प धारण कर लिया, हमने देखा भी, हमने जिसका संकल्प धारण कर लिया वो अच्छा हो गया, उसका शरीर स्वस्थ हो गया, ऐसे श्राप से बचो, किसी का अपकार मत करो, किसी का कुछ रखो मत, किसी का लेन देन रखे मत जाओ यहाँ से, किसी के ऋणी मत रहो, क्योंकि जिसके ऋणी हो अगर उसने माफ़ नहीं किया क्षमा नहीं किया तो उसका श्राप आपको सदा से देगा, जन्मों जन्मों तक से देगा, कितने ही जन्म ले लेना मेरे प्यारो, वो श्राप नहीं उतरता, वो ऋण नहीं उतरता है ना। सो तुम्हारा कष्ट में जीवन इसलिए है और दुखी तुम इसलिए हो जाते हो, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ हमने ऐसा किया होता है, अनजाने में भी बहुत सारे अपराध हमारे से होते रहते हैं, वो सब जुड़ते हैं हमारे खर्चों में। शरीर कष्ट पा रहा है इसलिए पा रहा है क्योंकि हम शरीर को जान रहे हैं, क्या कहते हैं कि ये हमारे सुख के लिए है, हमें ये पता नहीं ये दूसरों को सुख देने के लिए भगवान ने दिया है। क्या दिया है? दूसरों को सुख देने के लिए। गृहिणी एक गृहिणी तभी होती है जब वो सबकी सेवा करती है, पिता एक पिता भी तब होता है जब वो पुत्रों के लिए और सबके लिए कमा के लेके आता है और अपना कुछ नहीं रखता है, ठीक है, तब उसको कोई एक जोड़ी कपड़े पहना दे, वरना तो वो पुत्रों के लिए पुत्रियों के लिए ही कमाता है, उनकी शादियों में खर्च करता है, इसमें खर्च करता है, वो सेवा ही तो कर रहा है इस माध्यम से, पुत्र माता पिता की सेवा ही तो करता है, ला के उनके हाथ में तनख्वाह देता है, गलत बात है, तनख्वाह तो कोई देता ही नहीं है, गलत है ना, तनख्वाह तो अब कोई पुत्र अपने माँ के हाथ में बाप के हाथ में देता ही नहीं, पहले तो तनख्वाह मिलते ही, अब तो आती भी अकाउंट में है ना कमीनी, तनख्वाह भी तो बहुत रूप दिखा गई हमें, आ गया ना, नहीं
अब तो कोई बच्चा अपनी माँ के हाथ में ला के 20,000 रुपये दे नहीं सकता, और दे भी दिए तो पत्नी ने देख लिया काम खत्म, टाइम टाइम फीस आगे कभी नहीं दे पाएगा जीवन में, ठीक है कि नहीं? नू कहेगा खर्चा तो दे रहे हैं, कर तो रहे हैं, रोटी तो खिला रहे हैं, पैसे की कैसे उठती है, मेरे को उतना दिए तुमने, मैंने मांगे थे जब मैं जा रही थी, सारी बात याद कर हैं, इन्हीं का भरता रहे तुम भोबा, ये देखूंगे तेरे कितने काम आएंगे, ठीक है, ये करे उससे प्यार, तेरा कुछ करे नहीं है, मेरे बच्चों को तो फेंक फेंक मारे, उनके बच्चों को प्यार करे, देवर के बच्चों को वही कर लेगा, अब कहाँ गया छोटा नकटा है, ऐसी ऐसी बात करें आपस में, प्रेम करने के लिए, सेवा करने के लिए शरीर को बनाए, प्राण की सेवा कौन कौन करता है, एक भी आदमी प्राण की सेवा नहीं करता, प्राण ही तुम्हारे लिए जरूरी है, प्राण की ही सेवा मत करो, तो फिर प्राण ये कहेगा जब तूने मेरी सेवा ही नहीं की मैं तो जा रहा हूँ भाई, ठीक है कर लेना, क्या करोगे कर लेना, प्राण का एक संबंधी है यमराज है कि नहीं, प्राण का भाई है यमराज, प्राण ईश्वर है, वेदों में लिखा है, प्राण ईश्वर है, गीता में लिखा है, प्राण ही सब कुछ है, तुम जानते हो, अभी प्राण खत्म हो जाए शरीर से तो क्या कर पाओगे, फिर किसी की भी सेवा कर पाओगे, फिर आधी हकीकत आधा फसाना में तीन बिंदु दिखाते हैं 2 किलोमीटर दूर से रेगिस्तान में, वो आत्म रूप में महात्मा जो है घूमते रहते हैं, उनके तेज में वृद्धि होती रहती है, इस तरह से 2 किलोमीटर दूर से ही दिखाते हैं, वो देखते हैं कि लोग ठीक कह रहे थे, वे तारे ज़मीन पे नहीं आते, ये लाइटें भी नहीं हैं, वे रोज़ ही उत्पन्न होती हैं उस क्षेत्र में, वे महात्मा हैं जो सूक्ष्म शरीरधारी होकर ऐसे आकाश में गमन करते रहते हैं, स्वच्छंद होकर विचरते रहते हैं, तब वो आत्म तेज रूप में इसी प्रकार से घूमता है, ठीक है कि नहीं है, तो जो योगी लोग होते हैं वो रात में ऐसे ही तो भ्रमण करते हैं, तब वो शह शरीर आते जाते हैं, नहीं वो तेज ही तो है, तब वो इच्छा करके कहीं भी चले जाते हैं, किसी का भी पता ले आते हैं, किसी के भी साथ ठहर जाते हैं, हम वैसे भी देखते हैं किसी किसी घर में जिसमें सात्विकता ज़्यादा है, भक्ति ज़्यादा करते हैं, तो उसे सफ़ेद सफ़ेद से गोले घूमते रहते हैं, वो उनको ओट्स भी कहते हैं, वो गोले ही आपके शरीर में जाते हैं, वही यहाँ पे बहुत सूक्ष्म होकर आपके शरीर में घुसते हैं, तब आपके प्रेतों का कटन होता है, तब वो प्रेत कम होते जाते हैं, ये एक दिन की प्रक्रिया है ही नहीं, कदापि हो नहीं सकती, जो एक दिन की प्रक्रिया कर रहे हैं वो पहले ये कहते थे कि हमने आज ही तुम्हारे प्रेत को निकाल दिया, तुम आज ही मर जाओगे, अब वो एक दिन की प्रक्रिया किस आधार पर कर रहे हैं समझ में नहीं आता, केवल इस आधार पर कर रहे हैं कि ये लोग फुद्दू हैं, इनके लिए एक निर्मल बाबा आ जाए, एक करौली का काला सांड आ जाए, तो इनको तो ऐसे ही लोग चाहिए जो इनको ठग ले, आओ मुझे ठगो हैं, और स्त्रियों के इतने मन चंचल है, अरे वो बाबा एक बार में तो इलाज कर रहा है, एक बार में, अरे बोला फ्री में मनु भैया भी तो कर रहे हैं, बोला छोड़ ना, जो फ्री में कर रहा है उसके पास होगा क्या, है कि नहीं, विद्या वाला तो पैसे लेता है, जैसे अच्छा ट्यूटर अच्छे पैसे लेता है कि नहीं, तो फिर तो सारी ज़िंदगी खान सर पे कोई भरोसा ही नहीं कर पाता जो फ्री में पढ़ा रहा है, एक और है जो फ्री में पढ़ा रहा है, फिर तो कोई उस पर भरोसा नहीं कर पाता है कि नहीं, नहीं फिर खान सर का नाम कैसे हो गया भाई, अलक पांडे बिल्कुल जीरो फीस लेते हैं, अलक पांडे पढ़ा रहा है मुफ्त में, हाँ ना, हाँ तो यूट्यूब से जो आ जाता है उससे अपना गुजारा कर लेते हैं, लोगों को तो बच्चों को तो फ्री में ही पढ़ा रहे हैं ना, क्या बात कर रहे हो, नहीं भोग भोग के आते हैं फिर, अब एक लड़की की उसने वीडियो डाली 5 साल में ठीक नहीं हुई, किसी और दरबार में पड़ी है, ठीक है वो मनु भैया को गाली दे रहा, बोला मनु भैया की आत्मा इस पे बुला ली, वो आज तक पड़ी है दूसरे दरबार में, बताओ एक लड़का एक आँख का है वो काना है, वो यहाँ से गया वहाँ बुराई कर रहा था मेरी, 5 साल से वहीं है उसी दरबार में पड़ा 5 साल, आज तक ठीक नहीं हुआ 5 साल, फिर भाई 5 साल कहाँ लगे,
इससे अच्छा तो यहाँ रहता और दो साल में ठीक ही हो जाता, अपने घर चला जाता, फिर 5 साल कहाँ लगे। अच्छा और एक बात, अब पैसे दे रहे हैं 50,000 रुपये लाखे, मानो भैया के यहाँ फ्री इलाज नहीं कमाया जा रहा, देख लो कमा लिया हद ही है। देखो मैं फ्री में भी इलाज करूँ और फिर कहीं और जाके मुझे गाली भी दो, कितनी बढ़िया बात है, नहीं है भाई? तेरा कहना ठीक है भाई, सच्चाई को कोई कैसे पहचाने, ठीक है। जैसे शक्तिपुत्र चीख चीख के कह रहा है भाई मैं ही आत्मदर्शी हूँ, तेरे अलावा तो कोई आत्मदर्शी नहीं, तेरी मैं ही आ गई तो आत्मदर्शी कहाँ हुआ, आत्मदर्शी तो तू कहेगा, मैं कहेगा ही नहीं, ठीक है ना, मैं का मतलब ही नहीं है। फिर जिस जगदम्बा की बात करता है, वो जगदम्बा तो शिव के पीछे फिरती है, 1,000 साल तप करती है उससे मिलन के लिए, 1,000 साल तप करती है, बताओ, ठीक है, वो उसका त्याग कर देते हैं चल, तो फिर वो तो काम को मार देने वाले हैं, तीसरा नेत्र खोल देते हैं फौरन कि तूने मेरे राम की बुराई की, तूने मेरे राम की परीक्षा ली, काम खत्म थे, उसी टाइम त्याग देते हैं। 1,000 वर्ष तप करती है तब शिव वापिस प्रसन्न, ये बात किसी को याद नहीं रहती क्या? मुझे समझ में नहीं आता। फिर काली अच्छाई करने वाली है तो बुरा क्यों करती है, क्यों किसी के घाट में बैठ जाती है, ठीक है, क्यों किसी के लिए उल्टा चलती है? तो फिर वो तामसी देवी है, कौन सी देवी है? तामसी, सात्विकी है ही नहीं उसमें, ये तामसी देवता है, जितने भी दिखाई देते हैं जड़ है, आगे ना आपको आलस्य देते हैं, आप उन्हीं के चक्कर में पड़े रहते हो, आपसे भोग लेते हैं, आपके दो काम कर देते हैं, आप फूल जाते हो, जैसे कितने बड़े चमत्कारी हो। जितने भी तांत्रिक हैं, एक भी तांत्रिक ऐसा नहीं है जिसका घर बर्बाद ना हो। फिर आबाद क्या हुआ उनका, जब आपने इन देवताओं को पूजा, क्षेत्रियों को, कोई किसी की ढपली बजा रहा है, कोई किसी की, कोई पूरी रात जगा रहा है, कोई यूं करके नाच रहा है, कोई यूं करके कर रहा है, क्या हुआ इनसे, क्या पा लिया तुमने, खो ही रहे हो, पा तो कुछ रहे नहीं हो। फिर तुम्हारे ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर मनु भैया के हवन में शामिल होते हो, फिर कहते हो मेरा तो फलाना उल्टा हो गया, मेरा तो झिगड़ा ठीक हो गया, उल्टा हो गया, मैं तो 4 साल से लोगों का इलाज कर रहा था, अब कर लेना, वे सारे प्रेत जो तेरा देवता लेके चलता था तेरे ऊपर ही आएंगे, अब किसके ऊपर जाएंगे बताओ, बोलो कहाँ जाएंगे वे? जो देवता प्रेत के साथ चलता है वो तो प्रेत ही चेहरे हैं, उसकी तो प्रेत ही सेवा करते हैं, तुमने प्रेत को बुला लिया, आज न कल तुम्हारा घर बर्बाद होना ही, वो तो तुम पहले ही ले रहे हो भाई। तो बहुत सारे लोग तो यूं सुखी हो जाओ, कम से कम वैसे देवता को तो नहीं पूछते, अब कोई क्या करेगा उसको लेके, हैं? अरे बहुत हैं भाई, कितने हैं, सारे के सारे भोग लेते हैं, काहे का भोग, दारू का, मीट का, अंडे का, मांस का, मुर्गे का, बकरे का, सुअर का, है जी, और सिगरेट का, एक हुक्का पी रहे अमर सिंह फोन, वो हुक्का ही ले रहा है, लड़कियां भी हुक्का ही भर रही है, पी भी रही हैं, भर भी रही हैं, उन पे भी आके खेल रहा है, उनमें आके पी रहा है, बताओ लड़कियों को हुक्के की आदत तोड़ डाल की, जिस नशे से छुड़वा रहे हैं, धूम्रपान निषेध है, बताओ भाई क्या करेगा वो किसी का भला, उससे भला होना ही क्या है, एक परिवार दिखा दो कि उसका इतनी उच्चता आ गई है और उसके घर में कोई बीमार नहीं, एक परिवार दिखा दो, सबके शरीर बीमार है, इनको पूछते पूछते, तो भाई इनसे बाहर निकलो, इनसे बाहर निकलो, शिव की पूजा करो, शिव पूजा आगे।